गुड मॉर्निंग गाइज। सो बेसिकली हम लोगों का लास्ट टाइम एज पर सिलेबस हम लोगों ने देखा था, जो टॉपिक्स हम लोगों का यूनिट वन कंप्लीट हुआ था, एंड मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज मैंने ग्रुप में वो पोस्ट कर दिया है। सो जो भी लोग ग्रुप में है वो वेरीफाई कर लो। टेलीग्राम में मैंने वो जो नोट्स है वो पोस्ट कर दिया है। यस सर। हाँ, सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद दैट नोट्स। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव यूनिट वन का इंटरनेट एंड WWW वाला जो पार्ट है वो, व्हाट इज इंटरनेट पढ़ा है हम लोगों ने, कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट कब से चालू हुआ वो बेसिक उसका हिस्ट्री है, तो इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। इंटरनेट एप्लीकेशंस एज वी ऑलरेडी नो, ईमेल, टेलनेट, FTP, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है वी ऑल नो, ई बिजनेस क्या होगा, तो ईमेल कैसे वर्क करेगा वो आपको दिया हुआ है, ईमेल कैसे सेटअप करते हैं ये बेसिक पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। देन पैरामीटर्स ऑफ ईमेल, CC, BCC क्या होता है, अब वो तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन कॉपी हम लोग ईमेल के साथ सेंड करते हैं, अब वो बहुत बेसिक है तो वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ईमेल जब हम लोग किसी को सेंड करते हैं तो किसी को हम लोग CC रख सकते हैं ना नीचे, वो वाला पार्ट है। देन टेलनेट क्या होता है ऑलरेडी मैंने पता है, FTP बात हम लोगों ने पढ़ा है। देन यहाँ पे आपको वही FTP के बारे में दिया हुआ है। ई कॉमर्स क्या होगा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स क्या रहेंगे वो दिया है, टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसका एक छोटा सा हिस्ट्री दिया है यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होगा वो दिया है। देन डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले कैसे काम करता था, तो हम लोग वेबकैम यूज करते थे उसके थ्रू करता था। ई बिजनेस क्या होगा वो दिया है आपको, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होगा वो दिया है, मोबाइल कॉमर्स वाला मैंने आपको लिखाया हुआ है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा वो दिया है। देन उसके आगे DNS क्या होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ DNS कैसे वर्क करेंगे वो दिया है। देन उसके आगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो IP एड्रेस है उसके स्टार्टिंग के बिट्स क्या है, तो उसके हिसाब से क्या आइडेंटिफाई होता है वो दिया हुआ है। इंटरनेट एड्रेस क्या होगा, IP एड्रेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लासेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल IP एड्रेस क्या दिखता है वैसा आपको खाली पढ़ना है यहाँ पे। देन वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा वो मैंने आपको बताया, URL क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ब्राउजर्स, टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स मैंने आपको बताया था, सो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेट, यहाँ पे नेटस्केप अगर आप देखेंगे ये भी एक टाइप का ब्राउजर है जो बहुत पहले यूज होता था, अभी ज़्यादा यूज नहीं होता है। सर्च इंजिन, गूगल सर्च इंजिन है हम लोगों के पास, देन यहाँ पे और भी बहुत सारे सर्च इंजिन का लिस्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सर्च इंजिन, देन हम लोगों ने अपाचे एंड ISS जो सर्वर्स है वो पढ़ा था, और उसके साथ में मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर, वेब प्रॉक्सीज क्या होंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉक्सीज कौन से होते हैं वो दिया है, एडवांटेजेस दिए, HTTP प्रोटोकॉल ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो। जो भी हम लोगों ने पढ़ा था सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ गए हैं। आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट्स आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए ये वाले पार्ट में जो मैंने PDF ये 23 पेजेस का आपको दिया हुआ है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मैंने सर्टन नोट्स जो है ना वो बुक में लिखाए हुए हैं, एंड सर्टन नोट्स मैं PDF में दे रहा हूँ। सो डोंट एट ऑल एक्सपेक्ट कि जो बुक में लिखाया हुआ है वो भी आपको PDF में मिलेगा, वो आपको बुक में जो दिया है वो तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी नोट्स दैट्स योर फॉल्ट, यू सपोज टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है एवरीवन। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग ये जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, सो इफ समवन थिंक्स कि मैं फास्ट हूँ, आप देखो कि हम लोगों के इतने लेक्चर्स होने के बाद भी हम लोगों का सिर्फ यूनिट वन हुआ है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हुए हैं। अगर मेरा स्पीड अगर फास्ट लग रहा है तो अगर मैं इससे अगर स्लो करूंगा तो हम लोगों का सिलेबस ये सेम में खत्म होना ही नहीं है, 1 साल लगेगा उसके लिए। बेटर कि आपको अपने स्पीड पे कॉप अप करना है। आप 12th में नहीं हो अभी, आप डिग्री कॉलेज में आए हो, तो एक लेवल से ज्यादा स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं होता है, दिस इज डिग्री कॉलेज। सर्टन चीजें आपको खुद से अपना लेवल इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप डिग्री कॉलेज में आके भी अगर आपका बिहेवियर अगर जूनियर कॉलेज टाइप अगर होगा तो वो नहीं चलेगा, आपको थोड़ा कोप अप करना ही पड़ेगा। हम लोग इससे स्लो सिलेबस नहीं कर सकते।
सो इफ देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स कि हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो आप जाके वीडियो लेक्चर्स मैंने दिए हुए, आप वहां पे जाके देखो, हम लोग फास्ट नहीं है इतना, इससे स्लो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो बेटर यू स्टार्ट टू कोप अप विद द वे वी आर लर्निंग। और हाँ, सेकेंड चीज कि अगर आपको कोई टॉपिक्स जब मैं अगर पढ़ाता हूँ और वो टाइम पे अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अगर मैंने आपको फास्ट बता दिया और आपको कुछ कंफ्यूजन है, सो मैं एवरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक आई आस्क कि इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम योर पीपल। सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट लेटर व्हेन वी आर अबाउट टू फिनिश, आई मीन वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड विथ यूनिट वन एंड देन यू से कि हम लोग फास्ट कंप्लीट कराया था, दैट्स नथिंग अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है? सो आपको अगर कुछ डाउट्स है तो मैं वही सेम टाइम पे आपको पूछता हूँ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वापस मिलते हैं वो टाइम पे भी मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ डाउट्स है तो आप बोलो मुझे। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको वो डाउट्स अगर कोई है तो यू सपोज टू आस्क दोज डाउट्स, बिकॉज अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम मैं नए टॉपिक्स चालू करूंगा ही करूंगा, बराबर है? और उसके हिसाब से हम लोग का सिलेबस आगे जाएगा ही, बिकॉज हम लोगों को आगे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। सो इफ यू एक्सपेक्ट कि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, तो हम लोग स्कूल लेवल में नहीं है ना जूनियर कॉलेज में अभी, तो थोड़ा आपको अपना लेवल जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप आईटी में हो, रिमेम्बर आप बीएमएस बीबीआई में नहीं हो जहाँ पे सिलेबस उनका स्मूथली जाता है और इतना बड़ा भी नहीं होता है, धीरे से खत्म हो जाता है, एग्जाम टाइम पे भी वो जाके अगर पढ़ते हैं तो भी उनको समझ में आ जाता है। आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया है उसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा है, लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में होता है वैसे ही है ये, उसके जैसा ही आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस मिलेगा, तो उसके जैसे ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सो यू सपोज टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है? अगर आप फिर भी अगर ऐसा सोचते हैं कि हम लोग स्लो करेंगे तो वो एक लिमिट से ज़्यादा स्लो पॉसिबल नहीं हो सकता, बट यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, यू कैन व्यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू कैन आस्क डाउट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स जिस पे आपको लगा है कि वो टॉपिक मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया या आपको कोई डाउट्स है, ठीक है? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल आई थिंक दे आर फाइन विद द स्पीड व्हाट आई एम गोइंग, राइट? यस, यू कैन जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स, चैट में डाल दो, हाउ मेनी पीपल थिंक्स कि जो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर है? यस गाइस, जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स। यस, ओके, सो मोस्ट ऑफ यू फील कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर स्पीड है, राइट? बिकॉज इससे स्लो अगर मैं करूंगा तो हम लोग का सिलेबस नहीं होगा। सो जो भी लोगों को अगर मेरा मैं जो फ्लो से पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, सो आपको वहां पे एटलीस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस देखने पड़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी अगेन, मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। ओके, सो नाउ टुडे वी हैव आर टॉपिक दैट इज एचटीएमएल, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर, ओके, हाँ बोलो। एक अंदाज में बताओगे सर, सेमेस्टर वन कब होगा? सेम वन फाइनल एग्जाम, यस सर, फाइनल एग्जाम तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है यार, ये टाइम नहीं है मेरे पास, यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है ये टाइम तो, क्योंकि एज यू नो कि टीवाई के एग्जाम्स लेट हुए हैं, आई मीन सारे एग्जाम्स लेट हुए, आधे एग्जाम्स तो हम लोगों के ऑनलाइन एमसीक्यू पैटर्न में हुए हैं, आधे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऐसे ही प्रमोट किया हुआ है। सो दिस टाइम नो क्लैरिटी टिल नाउ, जब तक टीवाई के एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, बट हाँ स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट कि नवंबर, नवंबर इज द मंथ, सो नवंबर एंडिंग तक आपके एग्जाम्स या तो स्टार्ट हो जाएंगे या होने वाले रहेंगे, दैट इज वॉट वी कैन एक्सपेक्ट। सो अक्टूबर मंथ एंड नवंबर फर्स्ट वीक आप पकड़ लो कि हम लोग का सिलेबस चलेगा और उसके बाद आपका एग्जाम्स चालू होंगे, तो
अगर वो टाइम तक अगर कॉलेज स्टार्ट होते हैं देन इट्स फाइन कि हम लोग कॉलेज में आके अगर एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर वो सिचुएशन नहीं होता है देन लेट्स सी कैसे होता है अभी ये टाइम के एग्जाम्स भी। सो नवंबर पकड़ के चलो। ओके ओके सर। हाँ लेकिन हाँ आपके सर्टन इंटरनल काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो तो आपके ऑनलाइन ही रहेंगे, एमसीक्यू पैटर्न्स टाइप चलेंगे आई थिंक इंटरनल्स के लिए। तो 20 मार्क का आपका इंटरनल वैसे ही काम करेगा। ओके चलो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करता है। सो प्रीवियस जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको मैंने जो बुक में नोट डाउन कराए थे, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कराया है वो आपका नोट्स प्लस आज जो मैंने पीडीएफ दिया है, और वो पीडीएफ में एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लो एवरीवन, वो पीडीएफ में सर्टन टॉपिक्स है लेकिन वो टॉपिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना तो मैंने आपको लिंक्स भी दिए थे, वो लिंक्स में से आप अपने वो टॉपिक याद रख सकते हो। इट रिमेम्बर वी आर नॉट फ्रॉम स्कूल और जूनियर कॉलेज लेवल, जहाँ पे अगर मैंने आपको कोई एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया है और उसी उसमें कोई एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर है और वही आंसर अगर आप लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बराबर है? टेक्निकली व्हेन वी लाइक इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स, सो एक ही सम जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो मल्टीपल वेज में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे इन आईटी एज वेल, एक आंसर को एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेज में आंसर कर सकते हैं, कोई एक डायग्राम के साथ, कोई दूसरे टेक्निक के साथ में। सो अगर आप देखेंगे पीडीएफ में कुछ आपको थियोरी जो मिलेगा वो कहीं पे सिंपल रहेगा, कहीं पे सपोज अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो जो मैंने आपको लिंक्स दिए थे आप वहां से भी अपने वो सेम टॉपिक्स की थियरी याद रख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में मैंने कुछ दिया है तो उसके ही आंसर अगर आप लिखेंगे तो ही मैं आपको मार्क्स दूंगा। टेक्निकली इफ योर आंसर इज करेक्ट तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर आपके आंसर्स अगर रॉन्ग है तो ऑफकोर्स फिर वहां पे मार्क्स का सवाल ही नहीं आता। यस सर, आप जो लेक्चर अपलोड करते हो ना सर यूट्यूब में, यूट्यूब का नाम क्या है आपका चैनल का? सर मैंने डाला हुआ है ना, चैनल का नाम मतलब आप तिरुप परमार सर्च करो ना मेरे नाम से, देखो मैंने चैट बॉक्स में डाला है। यस सर, वही हाँ वही नाम है। ओके एक एक सेकेंड मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने जो अपने लेक्चर्स है ना उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन रिफर फ्रॉम देयर। अपने आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स हुए ना, फोर्थ लेक्चर हुआ है ना, 4 लेक्चर्स हुए हैं, आई डोंट रिमेम्बर, 4 या 5 थियरी लेक्चर्स हुए हैं, तो उतने मैंने ऐड किए हैं और बाकी के जो रिमेनिंग है वो मैं अपडेट कर दूंगा उसमें। सो आई थिंक 5 लेक्चर्स हुए हैं ना, दिस इज आर 6th लेक्चर राइट गाइज? यस सर, 6th थियरी लेक्चर। ओके ओके ठीक है। सो आई विल बी अपडेटिंग ऑल दोज लेक्चर्स देयर, सो ऑलमोस्ट आपको 4 to 5 लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से प्रैक्टिकल्स जो हम लोगों के हुए हैं वो प्रैक्टिकल्स के भी दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा फ्रॉम द सेम चैनल, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर। एंड जब तक बात है कि हम लोग जो थियोरी टॉपिक्स आंसर करते हैं ऑफकोर्स आप उसमें पॉइंट वाइज डायग्राम्स के साथ अगर ऐड करते हैं दैट्स द बेस्ट वे टू आंसर एनी एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको ऐसा कहीं पे नहीं है कि अगर हम लोगों ने जो थियोरी पढ़ा है या मैंने आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें कोई एक टॉपिक स्पेसिफिक अगर डायग्राम नहीं है लेकिन आपने उसको गूगल से कोई डायग्राम निकाला या आपने खुद से सोच के उसमें कोई एक डायग्राम ऐड किया है, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली परफेक्ट। जब तक वो टेक्निकली करेक्ट है वो आपको मार्क्स ऑफकोर्स दिलाएगा ही दिलाएगा। एंड सेकेंड थिंग, वी आर डीलिंग विद अ टेक्निकल सब्जेक्ट नॉट अ प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, सो डोंट थिंक कि वाइल आंसरिंग वाइल राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम्स इफ यू आर राइटिंग 5-6 पैराग्राफ्स या मैंने 1.5 या 2 पेजेस लिखे मतलब मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 5 out of 5 मिलेंगे या 5 में से मिनिमम 4 मिल जाएंगे, इट इज नथिंग लाइक दैट रिमेंबर। ठीक है, क्वान्टिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। सो मेक श्योर कि आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखेंगे, अगर रिटन एग्जाम अगर आपका होता है तो पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखना है और उसमें सर्टन पॉइंट्स यू सपोज टू हाईलाइट जो काम के है, और प्लस उसके साथ में
वो पॉइंट्स हाईलाइट करने के साथ में अगर डायग्राम्स है तो वो डायग्राम्स नीचे ऐड करो. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ टुडे टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रोग्रामिंग सब टॉपिक्स. प्रोग्रामिंग मतलब HTML. तो अब HTML में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई एक थियोरी आंसर भी अगर आपको आता है तो वहां पे भी आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा HTML का वो प्रोग्राम लिखना रहेगा और उसके साथ उसका थियोरी आएगा. सो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में आप अगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, यू कांट जस्ट राइट थियोरी आंसर फॉर दैट एंड यू कांट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स फॉर जस्ट थियोरी आंसर. प्रोग्रामिंग पेपर में अगर मैं आपको HTML में पूछता हूँ हेडिंग टैग्स क्या है, सो यू कांट जस्ट राइट हेडिंग टैग्स H1 टू H6 है और बाकी उसका थियोरी. यू यू सपोज टू एड वन HTML का हेडिंग टैग्स का एग्जाम्पल प्रोग्राम देर. दैट्स हाउ वी कैन स्कोर 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 4 to 5 मार्क्स आपको तब मिल सकते हैं उसमें. सो अभी से जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे HTML, CSS, JavaScript, सब में आपको वो थियरी अगर उसमें अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊंगा. और जो मैंने आपको PDF भी दिया है उसमें लास्ट में भी आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो दोज आर द क्वेश्चन विच यू सपोज टू प्रिपेयर. सो बेटर कि आप क्या करो कि वो जो भी क्वेश्चंस है ना वो एक बुक में आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स बनाते जाओ. तो जो मैंने आपको लिंक दिया और जो PDF दिया है उसमें से अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई थियरी टॉपिक्स में अगर डाउट्स है तो आप वहां से अपने आंसर्स बना लो. देखो आपको आज जो मैंने PDF दिया है ना उसके लास्ट में अगर आप देखेंगे सो आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा. सो दोज आर द क्वेश्चंस. ठीक है, लास्ट में देखो आपके पास 18 क्वेश्चंस है. सो 18 क्वेश्चंस में आपको वो सेम क्वेश्चंस ट्राई करो कि आप एक बुक में अपना एक बुक बना दो तो उसमें आप ये सॉल्व करो. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज WWW. फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेम PDF में से आपको आंसर मिल जाएगा. PDF में का आंसर अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि डायग्राम ऐड करना चाहिए, यू कैन जस्ट गूगल अ डायग्राम. मैंने लिंक दिया है वहां से मिल रहा है वो आप ऐड कर लो. अपना कोई सिंपल दूसरा डायग्राम मिल रहा है वो ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, इंटरनेट का हिस्ट्री दिया हुआ है वो अभी वो तो प्योर थियरी टॉपिक है. हिस्ट्री कब बना, किसने बनाया, कौन से साल में बना, वो सब नाम है. डिफरेंट इंटरनेट एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. वॉट इज ईमेल, स्टेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. सो डिफरेंट कंपोनेंट्स वहां पे आपको दिए हुए हैं, बराबर है. शॉर्ट नोट ऑन टेलनेट एंड FTP पढ़ा है हम लोगों ने, ये प्रोटोकॉल्स डिटेल में पढ़ा हुआ है वो है. ई कॉमर्स क्या रहेगा वो पढ़ा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इट्स टाइप्स, ई बिजनेस क्या रहेंगे. डिफरेंट इंटरनेट ISPs कौन से है वो है. DNS क्या है वो दिया है. DNS के रिकॉर्ड्स कैसे रहेंगे. इंटरनेट एड्रेस एंड इट्स क्लासेस. आप एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको छोड़ दो. इंटरनेट एड्रेस क्या रहता है वो मैंने आपको बताया, उसके क्लासेस नहीं पढ़ा है. तो मैं एक बार अगर एक बार हम लोग अलग से ये क्लासेस पढ़ लेंगे, आज नहीं बता रहा हूं मैं, एक बार हम लोग देख लेंगे सिर्फ देखने के लिए, बिकॉज इंटरनेट के क्लासेस जो है वो हम लोग को फिलहाल काम के नहीं है तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ. सो यू कैन स्किप दैट मच पार्ट. देन WWW का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो URL क्या होता है, ब्राउजर्स डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर. अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर, मतलब ये दो ब्राउजर्स में डिफरेंस क्या है. सो आपको वहाँ पे जो अलग अलग टाइप के ब्राउजर्स दिए उसमें भी अगर आपको कहीं पे डिफरेंस पूछा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट एज वेल. एक्सप्लेन सर्च इंजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, या फिर यू माइट गेट अ क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 5 सर्च इंजन्स. सो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. और इसमें सर्टन जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं जिसके क्वेश्चंस मिसिंग है तो वो मैं बाद में आपको ऐड करवा दूंगा. ठीक है, सो फिलहाल के लिए यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस मेनी क्वेश्चंस. इसमें और 5 to 10 questions आपके Unit 1 के और ऐड होंगे. 10 questions पकड़ के चलो, उतने तो और Unit 1 के ऐड होंगे. ठीक है, एंड टुडे हम वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक HTML, या उसको हम लोग HTML 5 भी बोलते हैं. HTML 4 था पहले जिसमें सर्टन प्रॉब्लम्स थे तो उसकी वजह से नाउ वी आर वी शिफ्टेड एट HTML 5. मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा HTML 4 और 5 में, एक बेसिक सा छोटा सा टेक्निकली क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे. ओके,
सो नाउ कैन वी स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक. न्यू यूनिट यूनिट वन हो गया हम लोग का. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट टू, दैट इज HTML. एनीवन, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग? ओके, एनी अदर पीपल? ओके, सो वी कैन स्टार्ट विथ यूनिट टू. PDF विजिबल है ना सबको? हाँ. सो यस देखो, सर. HTML5 बेसिकली जो HTML5, इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं वो समझ लेते हैं. हम लोगों ने थोड़े बहुत HTML के प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखे थे. हाँ, दोनों बैच को प्रैक्टिकल्स में HTML, बेसिक HTML हुआ है ना सबको? यस एक सर. बैच जो मेरा है वो तो है, बाकी सबको बेसिक HTML, हेड टैग, टैग, ये सब उतना हाँ पता है सर. ना? ओके. यस हाँ सर. सर. एनीवन जिसको बेसिक HTML टैग्स नहीं प्रॉपरली पता है, मतलब जो उसका हेड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, और उसके अंदर बेसिक एक दो टैग्स, पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, हेडिंग टैग. ओके. अविनाश, यू हैव प्रॉब्लम विथ टैग्स? सर आई नो बट बाय मिस्टेकली माय माइक आई रेज माय हैंड आई वाज क्लिकिंग ऑन द चैट बट ओके. एंड व्हाट अबाउट ध्रुव? यस सर. एक्चुअली सर मैं लेट ऐड हुआ था तो मुझे हाँ. है मैंने सीखा हुआ है बट काइंड ऑफ रिमेम्बर याद नहीं है तो आई विल ओके. कोप अप विथ यू बट थोड़ा लेट हाँ. ओके सोचना. ओके, नो प्रॉब्लम. तो हम लोग के जो प्रैक्टिकल हुआ है प्रीवियसली, उसका वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एज वेल. तो वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक जो हम लोग के है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो ओके सर. एक बार देख सकते हो. ओके. ओके. सो प्रैक्टिकल जो हम लोगों के दो प्रैक्टिकल्स हुए उसका भी लेक्चर सीरीज मैंने पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं. सो अगर किसी का बेसिक जो HTML मैंने पढ़ाया है, या फर्स्ट एंड सेकेंड बैच को प्रैक्टिकल्स में जो हुआ है, मैं वैसे भी हम लोग यहाँ बेसिक से चालू करेंगे, लेकिन इट इज़ बेटर कि आपको एटलीस्ट HTML के बॉडी टैग, हेड टैग, टाइटल, ये सब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए. HTML का फुल फॉर्म भी पता हो तो भी वो इनफ रहेगा चालू करने के. बेस्ट आइडिया है. हाँ. ओके. सो यहाँ पे देखो, हम लोग के पास जो ये वाला पार्ट है, ये नोटपैड प्लस प्लस है. प्रैक्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया नोटपैड प्लस प्लस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वाई इट इज़ यूजफुल. सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली HTML 4 और 5 में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. सो हम लोग के पास कुछ हेडिंग टैग्स होता है HTML में. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज हेड टैग 1, H1 क्लोज करता हूँ मैं. ओके. सिमिलर वे वी कैन हैव मल्टीपल हेडिंग टैग्स, H1 to H6, इतने सारे हेडिंग टैग्स हैं हम लोग के पास, एज वी ऑल नो. सो मैंने यहाँ पे तीन यूज कर रहा हूँ, मैं सारे यूज नहीं कर रहा हूँ. सर आपका नोट HTML पैड का का स्क्रीन नहीं दिख विजिबल? रहा है. ओके ओके ओके. सॉरी सॉरी. सर अभी तक PDF का स्क्रीन है. हाँ. ओके. अभी विजिबल है ना? यस सर. यस सर. यस सर. सर ओके. मैं शेयर करना भूल गया था. ठीक है. सो देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें हम लोगों ने सिंपल सा HTML प्रोग्राम लिखा है. HTML का टैग आता है, उसके बाद यहाँ पे हेड टैग आता है. हेड के अंदर आपका टैब के ऊपर जो टाइटल दिखता है वो टाइटल आता है, बराबर है? तो आई कैन गिव सम टाइटल हियर, लाइक दिस इज आर फर्स्ट HTML पेज एंड टाइटल क्लोज. सो यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग नोटपैड प्लस प्लस क्यों यूज करते हैं, आप देखो कि जब मैं यहाँ पे टाइटल पे हाईलाइट करता हूँ तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग ये मुझे हाईलाइट कर रहा है, बराबर है? दूसरी बात, यहाँ पे ये हेड टैग हाईलाइट कर रहा है. अगर मैं कोई टैग भूल जाता हूँ तो मैं थोड़ा टाइप करता हूँ तो उसके आगे का वो सजेशन देता है मुझे. तो अगर बहुत सारे HTML के टैग्स हैं, मुझे भी याद नहीं है सारे, और किसी को प्रैक्टिकली याद नहीं रहते उतने सारे,
तो हम लोग जब ये सारे अगर आपको याद नहीं रहते तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं जिससे आपका कोडिंग इजी हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग ये जो भी फाइल्स है इनको सेव करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो आपका HTML का मेन पैटर्न कैसे होता है, ये HTML टैग आता है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग का मतलब जहां पे आप जो भी टैग लिख रहे हैं, ये मैंने टैग लिखा है यहाँ पे HTML, उसमें देखो आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। क्लोजिंग टैग में आगे फॉरवर्ड स्लैश आता है, इसको क्लोज टैग बोलते हैं। मतलब आपका जो ब्राउजर है उसको पता चलेगा कि आपका HTML टैग या आपका जो वेब पेज है वो यहाँ पे ये HTML लिखने से चालू हुआ और ये HTML पे खत्म हुआ, ये उसको पता चलना चाहिए। दूसरी बात, आपका HTML का हेड, जैसे हम लोग सबके पास एक हेड होता है, वैसे ही जब हम लोग वेब पेज भी बनाते हैं तो उसका भी एक हेड होता है जहां पे टाइटल दिखता है वो वेब पेज का। टैब, टैब जो होता है ना आपके ब्राउजर्स में, जैसे यहाँ पे ये ब्राउजर है तो ये उसका टैब है। तो ये जो टैब है उसमें देखो यहाँ पे ऊपर ये गूगल लिखा हुआ है, तो ये आपका टाइटल है। जहां पे ऊपर गूगल लिखा हुआ है टैब में, दैट इज अ टाइटल। तो वो जो टैब है वहां पे क्या दिखना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं इन टाइटल पार्ट। और वो टाइटल यहाँ पे चालू हुआ और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइटल पे खत्म हुआ, ये हम लोग वापस बता रहे हैं ब्राउजर को कि भाई टाइटल यहाँ से चालू हुआ है, टाइटल टैग जहाँ मैंने चालू किया और ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के टाइटल टैग मैंने क्लोज किया, वहां पे ये टाइटल खत्म हुआ। और टाइटल बताना किधर है भाई, तो वो हम लोग को बताना है HTML का जो हेड है वहां पे, HTML के हेड में बताना है। सो यहाँ पे ये देखो, इसके लिए हम लोगों ने हेड बताया, मतलब आपका जो वेब पेज यहाँ पे ब्राउजर में दिखेगा उसका यहाँ पे ये जो टैब आएगा ना वहां पे ये टाइटल आएगा, इसके लिए बता रहे हैं हम लोग। क्योंकि आप कौन सा टैब ओपन है तो यहाँ पे ये टैब में उसका टाइटल दिखना जरूरी होता है बहुत बार, इसके लिए इतना देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका हेड के अंदर टाइटल आता है, ठीक है, ये आपका बेसिक HTML का टैग फॉर्मेट है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी मतलब आपका वेब पेज। यहाँ पे देखो ये जो वेब पेज है इसमें ये गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सर्च इंजिन है, गूगल सर्च है, आई एम फीलिंग लकी, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ये जो भी कुछ है यहाँ पे, जीमेल इमेज, ये मेरा फोटो दिख रहा है, ये सब जो भी आपको दिख रहा है ना ये सब आपका मेन बॉडी पार्ट है, ये सब कुछ बॉडी में आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी में सिर्फ तीन चीजें डाले हुए हैं, ठीक है, तीन हेडिंग्स डाले, H1 H2 H3। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज, हम लोग कहीं पे तो सेव करते हैं, जैसे ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थियोरी एग्जाम्पल डॉट HTML। ये मैंने यहाँ पे HTML वे में सेव किया, एक्सटेंशन आपका आना चाहिए .html, रिमेम्बर। सो ये देखो .html में सेव हो गया। अब यहाँ पे आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपको अगर पता नहीं है ये फाइल्स रन कैसे करने, तो यहाँ पे देखो ये रन वाला ऑप्शन भी आता है आपको नोटपैड प्लस प्लस में, रन क्लिक करेंगे उस पर, कौन सा प्रोग्राम रन करना है, यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं ऑल फाइल्स पे जाता हूँ, मुझे कौन सा फाइल रन करना है, थियरी एग्जाम्पल, ओपन किया, रन किया, ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया। ओके, अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं HTML 4 एंड HTML 5 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे देखो HTML जो 5 है उसमें आपके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब समझो HTML 4 में क्या होता था, मैंने यहाँ पे H1 टैग ओपन किया और सपोज क्लोजिंग के टाइम पे मैंने H2 लिखा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, H1 टैग ओपन किया। अब नॉर्मल हम लोग HTML में क्या पढ़ते हैं, जो टैग आप ओपन करते हैं वही आपको क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, H1 टैग मैंने ओपन किया, H2 क्लोज किया। सेम देन यहाँ पे मैंने H3 ओपन किया और क्लोजिंग में मैं सपोज यहाँ पे H6 लिखता हूं, देखो मैंने दो मिस्टेक किए, यहाँ पे H1 टैग ओपन करके H2 क्लोज किया, H3 टैग ओपन किया और H6 क्लोज किया। ओके, अब मेरा फिलहाल आउटपुट ये है, देख लो अभी तक मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया, ये मेरा आउटपुट है। अब इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, बराबर है, यहां पे हम लोगों ने रन किया इसको, सेम प्रोग्राम रन करेंगे। सो आपको देखो आउटपुट जो है ना वो सेम आ रहा है। ओके हाँ बोलो, एनीवन सेइंग समथिंग सर, आप H6 नहीं लिखे, H3 और H3 स्लैश लिखे,
कोडिंग में तो होता ये ना। यस सर। अरे मैं वही वही भाई, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। HTML5 में क्या हो रहा है यहाँ पे फिलहाल, अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, H3 ओपन करके H6 क्लोज किया है, H1 टैग ओपन करके H2 क्लोज किया है, मुझे पता है वो मिस्टेक, मतलब मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, वो समझो। सो यहाँ पे H1 ओके करके मैंने H2 क्लोज किया है टैग, मतलब रॉन्ग है, मिस्टेक है। देन यहाँ पे H3 ओपन करके H6 टैग क्लोज किया है, सिर्फ ये वाला देखो ये करेक्ट है जो ब्लू में आ रहा है, बाकी दोनों में मिस्टेक है। सो अब HTML4 में क्या होता था, वो मुझे आउटपुट यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और कभी कभी वो क्या करेगा फिर कि यहाँ पे मुझे आउटपुट बताएगा और दूसरे दूसरे ब्राउजर्स में है ना वो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ये तकलीफ होता है। सो इसके लिए हम लोग HTML5 यूज करते हैं और उसके साथ नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं। सो दैट क्या है कि अगर मैंने H1 क्लोज करके यहाँ पे H2 क्लोज किया तो यहाँ पे ऐसा ये ब्लू कलर में हाईलाइट नहीं होगा, तो उससे मुझे पहले तो डिफरेंस पता चल जाएगा। सो अभी मैंने ये करेक्ट कर दिया। सो अब मुझे डिफरेंस पता चल गया कि ओके ये टैग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग में कुछ तो मिस्टेक है, ये पता चला। अब अगर HTML4 जो है ना वो आपको ऐसे कोई मिस्टेक्स बताता नहीं है, मेन तो ये तकलीफ होता है। और सेकेंड क्या होता है कि वो कभी कभी जब आप फाइनल आउटपुट, जब आप प्रैक्टिकली यूजर्स आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज करते रहते हैं ना, तब कभी कभी वो हेडिंग दिखाना ही बंद करेगा, या कोई एक स्पेसिफिक ब्राउजर में वो हेडिंग दिखेगा, कोई स्पेसिफिक ब्राउजर में वो हेडिंग नहीं दिखेगा, कोई कहीं पे वो आधा ही दिखेगा, कहीं पे वो पूरा दिखेगा। तो ये तकलीफ होते थे HTML4 में, जो हम लोगों ने बहुत लेवल तक HTML5 में रिकवर कर लिए। तो HTML5 में क्या होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। HTML5 क्या बोलता है कि भाई अगर आपने H1 टैग ओपन करके H2 क्लोज किया है, ठीक है, आपने जो टैग ओपन किया है ना वही टाइप का मैं हेडिंग पकड़ के चलूंगा और वही मैं डिस्प्ले कर दूंगा, अगर मिस्टेक हुआ है आपसे तो भी। समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। सो यहाँ पे हम लोगों को तकलीफ इसके लिए होता है क्योंकि HTML कभी आपको एरर नहीं दिखाता है। आप सी सी प्लस प्लस कोई प्रोग्रामिंग अगर आपने ओके आपने सी सी प्लस प्लस कोई प्रोग्रामिंग चालू किया है आपने? यस सर। हाँ। सो देखो आप सी सी प्लस प्लस कोई अगर कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा रहेगा कि वहां पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखता हूँ, कॉमा सेमी कोलन डबल कोट्स या कुछ भी अगर मैं भूल जाऊंगा तो वहां पे वो इमीजिएटली आपको एरर देता है, आपका प्रोग्राम का आउटपुट आता नहीं है। लेकिन HTML में तकलीफ ये है कि ये आपको एरर बताता ही नहीं है, चाहे आपका प्रोग्राम राइट हो या रॉन्ग हो। तो अगर आपका प्रोग्राम राइट है तो आउटपुट देगा, और आपका प्रोग्राम रॉन्ग है तो आउटपुट नहीं दिखाएगा, एरर भी नहीं दिखा रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज द मेन रीजन कि हम लोग HTML4 जो आउटपुट नहीं बताता था और उसमें एरर भी पता नहीं चलता था कि आपने कोडिंग में कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो HTML5 ने जो भी HTML4 के कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे मैंने कोई एक टैग ओपन करके गलती से दूसरा टैग क्लोज किया, तो वहां पे HTML5 बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे एरर को खुद से हैंडल कर लेता है। तो उससे आपका वेबसाइट जब लाइव होगा क्लाइंट या कस्टमर एंड पे, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो बच जाते हैं, या आपके वेबसाइट के जो फेलियर आने वाले रहते हैं वो बच जाते हैं, ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे देखो आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया है, रिविजन है HTML का, HTML4 से हम लोग XHTML या HTML5, अब ये XHTML कहाँ पे यूज करते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग XHTML यूज नहीं करने वाले। तो XHTML HTML5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट ऑन इंटरनेट या www। HTML5 इज रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्वेशन। HTML एंड XHTML इज कॉमन यूज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, बराबर है। इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पे अगर हम लोग मेनली सर्टन अलग अलग कंटेंट जब आपको बताना है तो XHTML यूज करते हैं, बाद में बताऊंगा मैं। सो ये आपको बेसिक दिया हुआ है, ये आप देख लेना। HTML में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस जो है वो यहाँ पे नहीं होंगे। देखो HTML5 ऑल्सो कंटेन्स मच मोर एक्स्ट्रा स्टफ फॉर बिल्डिंग डायनेमिक पेजेस। डायनेमिक पेजेस HTML में कभी क्रिएट नहीं होता है। डायनेमिक पेजेस आपको क्रिएट करने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ डायनेमिक पेजेस का। सपोज यहाँ पे मैं ट्विटर पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे ट्विटर पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग ये इमेजेस दिख रहे हैं,
वीडियोस दिखेंगे आपको, बराबर है। और मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वीडियोस को, सपोज मैं यहाँ पे इसको लाइक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके नीचे कमेंट कर सकता हूँ, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, और मैं अपने कोई वीडियोस या फोटोज भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो ये जो सब बात है ना, ये बेसिकली होता है डायनेमिक पेजेस, जहाँ पे यूजर्स अपने साइड से कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, दूसरे यूजर्स के साथ बात कर सकते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब जब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा, आप अगर देखेंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, हमेशा सेम डेटा नहीं होगा। आप फेसबुक पे भी अगर देखते हैं तो हर बार जब आप फेसबुक के होम पेज पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट मिलते हैं, सेम नहीं मिलते। सो वो आपका डायनेमिक पेजेस होते हैं। स्टैटिक पेजेस मतलब ये हो गया, या आप समझो कि अगर मैं NM कॉलेज पे जा रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सर्टन हम लोगों ने स्टैटिक पेजेस बनाए, स्टैटिक पेजेस का मतलब ये होम है, तो होम पे आप अबाउट जो NM कॉलेज अगर देखेंगे लाइक अबाउट अस, तो ये अबाउट अस वाला जो पार्ट है ना, ये कभी चेंज नहीं होना है, ये सेम ही रहेगा हमेशा। अबाउट अस में यहाँ पे चेंज होना ही नहीं है भाई, ये SVKM NMIMS है, ये दिन चालू हुआ था वहां से ये चली रहा है और यही सेम उसका डिटेल है, तो अबाउट अस में चेंज करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये स्टैटिक पेज है। आप ज्यादातर आके अगर देखोगे तो ये पेज के ऊपर आपको रेयरली कुछ चेंजेस मिलेंगे, और वो भी जब डेवलपर चेंज करेगा तब। यहाँ पे यूजर आके कोई फोटो लाइक नहीं कर सकता, पोस्ट नहीं कर सकता, बराबर है। आप यहाँ पे आके कुछ खुद से नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे जो पेजेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया है आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और उसके आगे यहाँ पे कुछ न्यू नोटिसेस आए, और ये देखो ये सब जो है ना ये डेवलपर साइड से हो रहा है। यूजर्स यहाँ पे आके, आपको यहाँ पे कहीं पे साइन अप का ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे आके साइन अप करूंगा और फिर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा, मैं फोटो वीडियो पोस्ट करूंगा, किसी के फोटो को लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसे आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, अलग अलग डायनेमिक वेबसाइट्स पे मिलता है। सो ये आपका स्टैटिक पेज हो गया, जो बहुत सिंपल हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है। सो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वही बता रहा है कि HTML जो है, यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे ये सेम चीज बता रहा है कि HTML में आपको जब ऐसे डायनेमिक पेजेस, ट्विटर जैसे अगर डायनेमिक पेजेस अगर बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी रेडीली, कोई एक्स्ट्रा रेडी फंक्शनलिटी आपको HTML 5 में मिला हुआ है, तो वो तो हम लोगों को जब हम लोग डायनेमिक पेजेस बनाएंगे तब ज्यादा पता चलेगा। बेसिक कुछ अभी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि अभी आपने डायनेमिक लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़े, तो अगर मैं आपको वो एक्स्ट्रा स्टफ अगर बताऊंगा अभी तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके साथ में रेडी प्लगइन्स आते हैं, जहां पे अपने फ्लैश साइट देखे रहेंगे, फ्लैश साइट ऐसे दिखते हैं कुछ। ओके देखो दिस आर द फ्लैश साइट्स, ओके, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एज यू कैन सी दिस इज फ्लैश साइट, सो बहुत डायनेमिक साइट्स हम लोग बना सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। गेमिंग्स के लिए हम लोग बना सकते हैं, एक कैसीनो वाला रिव्यू करता है। देखो दिस इज हाउ फ्लैश साइट्स लुक्स लाइक। अगर गेमिंग साइट है तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा कुछ कहीं पे एनिमेशन आना चाहिए, थोड़े कुछ वीडियोस टाइप चलने चाहिए। आपको दिख रहा है ये फ्लैश है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है गेम्स वाले साइट्स के लिए या और कोई का साइट्स के लिए, है ना। सो ये फ्लैश साइट्स होते ऐसे सारे, तो इसको थोड़े लोड होने में भी टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एनिमेशन आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे कोई साइट्स है।
देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये साथ में हम लोगों ने कोई वीडियोज ऐड किए है ना, या जिफ इमेजेस कुछ हो सकता है। सो ऐसे बहुत अट्रैक्टिव साइट्स जो हम लोग बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे दूसरे साइट्स हो सकते हैं। सो वो आपके फ्लैश साइट्स होते हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग जो गेमिंग्स टाइप कुछ चीजें बनाते हैं ना उसके लिए, या फिर जैसे हम लोगों ने कोई मूवी है वो मूवी का प्रमोशन के लिए, एवेंजर्स जो आया था इन्फिनिटी वॉर, तो उसके लिए हम लोग ऐसा कोई बना सकते हैं। आप देखो कि वो जो इन्फिनिटी वॉर में जो वो ग्लव बताया उसका काफी ज्यादा आपने देखा रहेगा वो नेट पे चल रहा था, ये ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं बेसिक। ओके सो देखो ये फॉर्मूला वन के लिए है। सो काफी अच्छा दिख रहा है। आप अगर पीछे देखेंगे सो आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड में एक वीडियो टाइप कुछ चल रहा है ना। सो ऐसे कुछ साइट्स जो होते हैं, ऐसे कुछ साइट्स आप देख सकते हो कि हम लोग फ्लैश में भी बना सकते हैं। मूवीज के लिए बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। सो अलग अलग जो मूवीज बनते हैं उसके लिए भी ऐसे फ्लैश यूज होते हैं। सो दैट्स वॉट वी मीन बाय फ्लैश साइट्स। ओके सो कोई मूवी के प्रमोशन के लिए, सीरियल्स के लिए हम लोग बना सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग बना सकते हैं। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, ऐसे हम लोग के पास रेडी प्लगइन्स होते हैं ऐसे साइट्स बनाने के लिए। मतलब ये सब आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने साइट्स पे ऐसे डायनेमिक मतलब ऐसे अट्रैक्टिव चीजें अगर ऐड करने हैं तो उसके लिए हम लोग के पास रेडी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो वो सर्टन प्लगइन्स जो है ना वो भी आपको HTML5 सपोर्ट करता है। देन HTML5 में और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स है, वो बेसिक दिया हुआ है। फॉर्म वैलिडेशन में भी आपको यहाँ पे वो हेल्प करता है। फॉर्म वैलिडेशन वेरिफिकेशन डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे हम लोग HTML फॉर्म्स भी बनाएंगे। फॉर्म वैलिडेशन एंड ओके सो देखो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म को मुझे वैलिडेट करना है। सो फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या रहेगा, आपने देखा रहेगा बहुत बार आपको ऐसे कोई फॉर्म्स आते हैं जिसमें रिक्वायर्ड बोले रहते हैं कि नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स है। आप अगर इसमें स्पेसिफिक डिटेल नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दिस वन इज वेल, जहां पे आपको क्या बोला है कि आपको इनपुट डालना है और वो रिक्वायर्ड है और सर्टन ऑप्शनल्स रहते हैं। तो अब ये जो रिक्वायर्ड चीजें आप एंटर कर रहे हैं, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर रहा हूं, अब ईमेल एड्रेस आपका क्या होगा, एडमिन या abc@xyz.com, तो मतलब कोई तो एक साइट का नाम आएगा, @ आएगा और उसके पहले मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है वो नाम रहेगा। सपोज अगर मेरा tirup@xyz.com ऐसा कुछ होगा, तो मतलब मेरा नाम आया, @ सिंबल आया और फिर जो साइट से मैंने वो अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है वो साइट का नाम रहेगा। अगर जीमेल से क्रिएट किया है तो gmail.com रहेगा, याहू से किया है तो याहू रहेगा, हॉटमेल रहेगा, जो भी है वो। तो लास्ट में डोमेन नेम्स आते हैं, जैसे यहाँ पे csscript.com है, ये डोमेन नेम है और उसके आगे जो पर्सन है उसका नाम होता है और सेंटर में @ होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है डोमेन नेम्स को और यूजर का जो नाम है उसको। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। तो अब अगर यूजर अगर सिर्फ यहाँ पे एडमिन डाल के छोड़ देता है, ईमेल एड्रेस प्रॉपर नहीं डाल रहा है, तो वो टाइम पे आप यहाँ पे वैलिडेशंस ऐड करेंगे कि आपका ईमेल एड्रेस में स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए, @ होना चाहिए, वापस कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए और कोई तो एक डोमेन नेम आना चाहिए, .org.in.com.co.in.edu जो भी है वो। तो अगर ये फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड ईमेल का सिंटेक्स है वैसा अगर आपने ईमेल एड्रेस नहीं एंटर किया है तो आपका वैलिडेशन फेल हो जाएगा। ओके देन सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सेम दिया है। देखो ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि आपने @ या कुछ तो मिस कर दिया। सिमिलर वे अगर आपका जिप कोड जो है, तो अगर जिप कोड आपका 5-6 digits का ही होता है, डिजिट्स ही होता है सिर्फ उसमें, तो वहां पे अल्फाबेट्स काम नहीं करेंगे, आप अल्फाबेट्स वहां पे एंटर नहीं कर सकते। देन मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपका 10 digits से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 10 digits से छोटा भी नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर वैसा ही होना चाहिए, तो वो अगेन वैलिडेशन होगा।
नाउ वेरिफिकेशन क्या होगा, सपोज अभी मैंने वैलिडेट करने के लिए क्या लिखा, abc@gmail.com, तो वैलिडेशन तो करेक्ट हो गया क्योंकि सिंटेक्टिकली ग्रामेटिकली तो ईमेल का जो मैंने नाम डाला है वो करेक्ट है, लेकिन abc@google.com या gmail.com ऐसा कोई ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता, किसी का नाम प्रॉपर होगा, बराबर है, तो मतलब वो ईमेल एड्रेस मैंने कोई तो डमी फेक ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो अभी आपने जो ईमेल एड्रेस डाला वो फेक ईमेल एड्रेस है या जेन्यून है, ये इसके लिए हम लोग फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो आप अगर कहीं पे साइन अप करते हो तो वो टाइम पे आपने वहाँ पे जो मोबाइल नंबर एंटर किया, तो सपोज अगर वैलिडेशन क्लियर करने के लिए मैंने वहाँ पे मोबाइल नंबर में हम लोगों ने क्या बोला है, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10 से कम भी नहीं, 10 से ज्यादा भी नहीं, बराबर है। तो सपोज मैंने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन क्लियर करने के लिए मैंने सपोज यहाँ पे ऐसा लिख दिया कोई xyz@aaa.com, सो ये सिंटेक्टिकली दिस इज करेक्ट, बराबर है। मैंने कंप्यूटर को क्या बोला था वैलिडेट करने के टाइम पे, HTML फॉर्म में मैंने वैलिडेशन क्या रखा था कि भाई कोई अगर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा तो सबसे पहले @ के पहले कुछ टेक्स्ट होने चाहिए, @ के बाद में कुछ टेक्स्ट होना चाहिए और लास्ट में डोमेन नेम होना चाहिए, तो वैलिडेशन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि HTML ये देखेगा कि सिंटेक्टिकली आपने जो लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। देन मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे 10 डिजिट अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये भी करेक्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं है क्योंकि आपने कंप्यूटर को क्या बोला था वैलिडेट करने के लिए कि सिंटेक्टिकली मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, 10 डिजिट होने चाहिए, तो ये 10 डिजिट है, बराबर है। तो ये वैलिडेशन मेरा करेक्ट हो गया, लेकिन अब ये ना ऐसा कोई मोबाइल नंबर तो नहीं हो सकता, ना ऐसा कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है, तो वो टाइम पे अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली आपको ये दोनों को वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई करेंगे हम लोग, और वेरीफाई का मतलब क्या है, इसके ऊपर मैं OTP और एक्टिवेशन लिंक सेंड करूंगा। सेम वे मोबाइल नंबर पे भी हम लोग OTP या एक्टिवेशन लिंक सेंड करेंगे, दैट्स द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। सो अगर आपने डमी डिटेल्स अगर डाला है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आपका अकाउंट वो एक्टिव ही नहीं होगा। सो वैलिडेशन का मतलब आप सिंटेक्टिकली चीजें करेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं ये देखेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर मैं अपना करेक्ट मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 93 कुछ तो लिखा है, अब ये मैंने नंबर करेक्ट डाला हुआ है लेकिन लास्ट में मैंने 9 डिजिट्स ही डाले 10 डिजिट्स के जगह पे, या 7 डिजिट्स डाले या 8 डिजिट्स डाले, तो क्या हो गया, नंबर करेक्ट डाल रहा था लेकिन मैं उसमें से मैंने 1-2 नंबर्स मिस कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी सिंटेक्टिकली वो 10 डिजिट नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, ये चीजें होंगे बेसिकली। तो ये जो काम है ना, ये वैलिडेशन का काम हम लोग HTML से कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के काम तो सर्वर पे जाएगा, उसके लिए आपका अलग कोडिंग लगता है, उसके लिए दूसरे लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं, PHP, ASP.NET, Java, वो सारे लैंग्वेजेस आते हैं। तो HTML आपको वैलिडेशन में हेल्प करता है, वेरिफिकेशन में नहीं, वेरिफिकेशन सर्वर साइड पे होगा, उसके लिए दूसरा कोडिंग लगेगा, तो सिर्फ वैलिडेशन। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 10 से कम भी नहीं, 10 से ज्यादा भी नहीं। ईमेल एड्रेस कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए @ के पहले, कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए @ के बाद में, उसके बाद में आगे वापस कोई तो एक डोमेन नेम आना चाहिए, दिस इज वैलिडेशन। तो ये काम हम लोग HTML से कर सकते हैं, सो यहाँ पे वही आपको बता रहा है, ठीक है। देन HTML5 फीचर हेल्प टू प्लग गैप्स इन फंक्शनलिटी, जैसे आपके पास सर्टन ब्राउजर्स में कोई प्रॉब्लम्स थे, कुछ अपडेट्स नहीं थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, व्हाई HTML5? वेब डिजाइनर्स हु यूज्ड अर्लियर वर्जन्स, वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये बेसिक दिया हुआ है। सो सपोज अ वेबसाइट हैज 200 पेजेस ऑल यूजिंग द सेम बेसिक लेआउट्स एंड डिजाइन, टू मेक अ डिजाइन चेंज टू एंटायर साइट द डिजाइनर वुड हैव टू गो टू इन मैन्युअली एंड एडिट ईच अदर दोज 200 पेजेस। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे कि HTML4 तक क्या हो रहा था, डिजाइनिंग प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो रहा था, मतलब HTML और CSS हम लोग साथ में यूज करते हैं, आगे हम लोग CSS देखेंगे तो आपको पता चलेगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, तो HTML4 में CSS का सपोर्ट बहुत कम था, तो बहुत बार अगर मुझे HTML पेजेस को अगर डिजाइन करना है ना,
तकलीफ ये होता था कि मुझे इंडिविजुअली बहुत बार सर्टेन डिजाइन्स एचटीएमएल पेजेस में मैन्युअली ऐड करने पड़ते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कैस्केड इफेक्ट क्या होता है। दिस इज कैस्केड इफेक्ट। अगर मैंने एक चीज गिराया, आपने बहुत बार देखा रहेगा, एक चीज अगर आप गिराते हो तो उसके आगे के सारे चीज जो है वो गिरते जाते हैं। मतलब आपने एक जगह पे चेंज किया और वो थ्रू आउट सब जगह पे चेंजेस वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, ये बहुत बार आपने देखा रहेगा, है ना। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक कोई लोकेशन पे, सपोज अगर मुझे पूरा वेबसाइट का सारे मेरा जितना भी वेब पेजेस है वो सारे वेब पेजेस पे मुझे उसके डिजाइन्स चेंज करने हैं। सपोज उसका हेडर जो है वो ब्लू कलर का करना है, फुटर उसका अगेन व्हाइट कलर का रखना है, ऐसा कुछ करना है। जैसे फेसबुक आप देख लो, सारे पेजेस का सेम कलर सेम डिजाइन आपको मिलेगा, ट्विटर सेम, इंस्टा सारे पेजेस का सेम डिजाइन सेम कलर मिलेगा आपको, कंटेंट अलग अलग रहेंगे वो फर्क है, लेकिन डिजाइन बेसिक टेम्पलेट जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, CSS यूज करके भी हम लोग वो सेम काम कर सकते हैं। CSS यूज करके एक फाइल मैं डिजाइनिंग वाला फाइल बनाऊंगा और वो फाइल को मैं बाकी मेरे सारे जो वेब पेजेस है ना मेरे वेबसाइट के वो सबके साथ में कॉमन लिंक क्रिएट करूंगा। तो क्या होगा, जब जब मुझे अगर मेरे सारे जो ये 500 हजार 2000 जितने भी मेरे वेबसाइट के पेजेस है, जैसे आप देख लो कि फेसबुक फेसबुक के तो हजारों पेजेस रहेंगे, जितने लोग प्रोफाइल बनाते हैं सबका एक अलग अलग होम पेज बन रहा है ना। अब उनके पास हजारों थाउजेंड्स लैक्स करोड़ ऑफ पेजेस है, तो अब अगर मैं HTML यूज करके अगर डिजाइन करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो डिजाइन मैं एक पेज में चेंज कर रहा हूं ना वो सेकेंड पेज में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा, मुझे इंडिविजुअली जाके हर एक पेज ओपन करके उसमें वो डिजाइन का कोड मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है और बड़े साइट्स में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसके लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। CSS का बेनिफिट क्या रहता है, एक मैंने डिजाइन फाइल बनाया है, अब मैं क्या करूंगा, जब कभी मुझे डिजाइन में चेंजेस करने ना तो वो डिजाइन फाइल में मैं चेंज करूंगा और वो फाइल बाकी सारे मेरे वेब पेजेस के साथ लिंक्ड है। तो जैसे ही मैंने ये डिजाइन फाइल में चेंज किया ना, वो जो जो फाइल्स जो जो बाकी के HTML फाइल से लिंक्ड है ना उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। कैसे होंगे, प्रोग्रामिंग से हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि CSS से आपका ये बेनिफिट होता है कि आप एक ही जगह पे चेंज करो वो ऑटोमेटिकली सारे जगह पे वो चेंजेस अप्लाई हो जाता है, लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML में आप एक फाइल में अगर चेंज करते हो तो वो चेंजेस जो है वो फाइल के लिए ही रहता है, बाकी फाइल्स में आपको वापस चेंजेस करने पड़ेंगे मैन्युअली, हर एक फाइल में मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको वही दिया है कि पहले का जो हम लोग का ओल्डर HTML वर्जन थे ना वो ये CSS सपोर्ट नहीं करते थे प्रॉपरली, लेकिन आगे के वर्जन अभी बहुत अच्छे से HTML5 और आगे के वर्जन बहुत स्मूथली वो CSS को सपोर्ट करते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होता है हम लोगों को कि आपका जो वो गधे के जैसा मेहनत है ना वो निकल जाता है। पहले क्या होता था कि एक सेम कोड मुझे 50 पेज में वापस 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 टाइप करना पड़ता था, तो वो अभी मेहनत मेरा निकल गया, ये बेनिफिट होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ नए वेब डिजाइनर्स का काम भी कम हो गया क्योंकि आपको अभी जो भी डिजाइनिंग अप्लाई करना है वो सिर्फ एक ही लोकेशन पे अप्लाई करना है, हर जगह पे आपको वो सेम डिजाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बाकी पेजेस आप लिंक कर दो उसके साथ, तो उससे ये काम आपका हो जाएगा। ओके तो ये आपको बेसिक दिया हुआ। इन करेंट टाइम्स व्हेन बॉर्डर बिटवीन डेस्कटॉप एंड मोबाइल इज रैपिडली फेडिंग अवे, यूजर्स एक्सपेक्ट टू गेट टू इन्फॉर्मेशन एनी वेयर एनी टाइम, तो वो टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो एक सेम डिजाइन मुझे मोबाइल पे भी दिखना चाहिए डेस्कटॉप पे भी दिखना चाहिए, सो दैट टू क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आप देखो कि फेसबुक आप मोबाइल पे ओपन करो या कंप्यूटर पे ओपन करो, आपको उनके जो डिजाइन उसके जो कलर आते हैं हेडर फुटर वो सेम आता है। सो अगेन उसके लिए भी हम लोग HTML5 का हेल्प लेते हैं। ओके सो ये आपके बेसिक चीजें दिए हुए, उसके आगे फाइव रीजंस वाई HTML5 यूज करते हैं, नए स्टैंडर्ड्स है, फास्ट है, अच्छी अच्छी बातें अभी उसके बाद मॉडर्न है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। मोबाइल डिवाइस के लिए भी आप इजीली यहाँ से कंटेंट बना सकते हैं, जो वेबसाइट पे भी देखेगा मोबाइल कंटेंट भी देखेंगे,
और ऑफ कोर्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो मैंने आपको सीएसएस अभी बताया वो तो बहुत अच्छे से वो फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। सो ये आपके बेसिक थियरी हो गए। अब ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ लेना, कुछ डाउट्स रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर मुझे आप पूछ सकते हो। देन देर आर सम अदर फीचर्स जो टेक्नोलॉजी के साथ आप आज के जो वेब टेक्नोलॉजीज है उसको ये प्रॉपरली सपोर्ट करता है, कॉम्पेटिबल है, मतलब मैं लेटेस्ट जो एंड्रॉयड iOS आ रहा है या फिर अभी विंडोज के कोई फोन सपोज आते हैं तो उनके साथ भी ये बहुत इजीली कॉम्पेट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसे हम लोग AI बेस्ड या IoT बेस्ड कोई नए टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं उसके साथ हो जाएगा, तो ये बेसिकली ये भी है। और ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑफलाइन सपोर्ट का मतलब आप देखो कि अगर मैंने ट्विटर या फेसबुक ऑन करके रखा है, मेरा नेट बंद हो गया, तो जब तक मेरा नेट ऑन था तब तक के जो भी कंटेंट है ना वो आपको एक्सेसिबल होता है ना फिर भी, सो वो ऑफलाइन कैपेबिलिटी हो गया। ओके और CSS3 वो तो कैपेबिलिटी है ही, तो वो सेम यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं। ओके सो आप एक बार ये देख लेना। HTML5 यहाँ से हम लोगों का मेन टॉपिक चालू होता है, इसके पहले तो प्योर थियरी था। तो आप जो मैंने बताया, जो मैंने एक्सप्लेन की ये चीज़ें आपको, उससे आप एक बार देखो कि आपको इजीली अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। और उस वो थियरी टॉपिक्स में अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर पूछ लो, मैं आपको वो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स जो भी नहीं समझा है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सो यहाँ से अभी हम लोगों का HTML5 मेन जो चालू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। और अगर आप प्रैक्टिकली अगर वो आपको अगर क्लियरली समझ में आना तो थियोरेटिकली तो समझ में आ ही जाएगा, प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आए तो थियोरी क्या लिखा है वो इजीली समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको होगा उतना जल्दी प्रैक्टिकल्स पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोगों का सिर्फ 3 मिनट्स ही बाकी है, सो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज एज यू कैन सी HTML5 आर्किटेक्चर है यहाँ पे। सो बेसिक आपको दिया हुआ HTML5 का फर्स्ट अगर आर्किटेक्चर अगर देखेंगे हम लोग, सो फर्स्ट वी हैव इज अ डॉक टाइप एज नेम सजेस्ट डॉक्यूमेंट टाइप। सो व्हेनेवर योर ब्राउजर सपोज कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि हम लोग का कोई एक फाइल है .pdf है, मतलब आपको क्या क्या समझ में आता है कि वो PDF फाइल है। .ppt लिखा है मतलब आपको क्या समझेगा PPT है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। .xsl है मतलब एक्सेल फाइल है। देन वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए .doc होगा। तो ये एक्सटेंशन से आपको समझ में आता है कि कौन से टाइप का वो फाइल है या कौन से टाइप का वो डॉक्यूमेंट है। एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग अगर ब्राउजर्स के ऊपर कोई वेब पेजेस ओपन करते हैं ना, तो डॉक टाइप या डॉक्यूमेंट टाइप से ब्राउजर को भी समझ में आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपने सिर्फ HTML में लिखा है, ASP.NET में लिखा है, PHP में लिखा है, जावा में लिखा है। तो बेसिकली डॉक टाइप टैग हम लोग यूज करते हैं टू हेल्प ब्राउजर टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट आप ओपन करने वाले हैं। तो अगर ब्राउजर को समझेगा कि ओके ये HTML डॉक्यूमेंट है तो उसको इजीली पता चलेगा ना कि हाँ ओके HTML डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे ओपन करने के लिए कौन से बैकग्राउंड में चीजों की जरूरत रहेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का जो वेब पेज है वो सपोज PHP में है तो उसको पता चलेगा ना कि हाँ XAMPP या वेब सर्वर का भी हेल्प लेना पड़ेगा, उसके सर्टन फाइल्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे आपका ये वेब पेज जो है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव फर्स्ट टैग दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप, एक्सक्लेमेशन साइन होगा और उसके आगे डॉक टाइप लिखा रहेगा। देन दूसरा HTML टैग आता है, तो आपका HTML पेज चालू कहाँ पे होगा और कहाँ पे खत्म होगा ये किससे पता चलेगा, HTML टैग। हेड हम लोगों को पता है, हेड टैग मतलब जो आपका हेडिंग आएगा, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा ही है ऑलरेडी टाइटल वाला है ना। मेटा टैग बेसिकली आपके पेज जो आप बना रहे उससे रिलेटेड, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने जो पेज बनाया वो BSCIT के लिए बनाया, सो व्हेनेवर समवन सर्च फॉर BSCIT आपने ये जो वेब पेज बनाया वो दिखेगा। तो ऐसे सर्टन मेटा टैग्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बॉडी पार्ट आपके वेब पेज में आपको क्या बताना है वो सब कुछ हम लोग बॉडी में ऐड करते हैं। ओके सो ये जो भी टैग्स है ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेडिंग HTML टैग क्या होता है वो तो हम लोगों ने समझा, सिर्फ HTML लिखेंगे वो ओपनिंग टैग हो गया, फॉरवर्ड स्लैश डाल के HTML लिखूंगा वो क्लोजिंग टैग हो गया। देन सेम वे हेड टैग आता है, तो आपका जो भी HTML पेज चालू होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, हेड से ही चालू होगा। देन उसके अंदर टाइटल टैग आएगा, तो आप टाइटल में जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका जो वेब पेज चालू होता है उस पर टैब पे दिखता है,
जैसे यहाँ पे अभी ये मेरा वेब पेज चालू है, तो देखो यहाँ पे ये टाइटल क्या दिख रहा है, कैस्केड इफेक्ट गूगल सर्च, ये आपका टाइटल में आएगा, बराबर है? आपका पेज का जो टाइटल रहेगा उसमें आएगा। मेटा टैग बिली बिहेव लाइक अ डिस्क्रिप्टर ऑफ योर वेब पेज। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे हाँ देखो ये वाला, अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेब पेज, ओके मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिया है, ये एक विकिपीडिया का लिंक है, बराबर है? और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो वेब पेज पे आपको क्या दिखेगा। तो वो जो चीजें है ना, वो यहाँ पे आपका मेटा टैग में हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज। सो यहाँ पे जैसे क्या बोला है, कैस्केड इफेक्ट, ये विकिपीडिया पेज है, और वो अगर मैं ओपन करूंगा तो उसमें वो पेज पे मुझे क्या कंटेंट मिलेंगे, उसका एक बेसिक डेमो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप मेटा टैग में ऐड कर सकते हैं। सो मेटा टैग में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये नाम दिया हुआ है, नाम क्या रखा है, कैस्केड इफेक्ट, ये नाम है, हाईलाइट किया हुआ है। देन उसके आगे कंटेंट डालेंगे, और फिर उसको हम लोग UTF-8 यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 में भी डाल सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप ये पेज को एक्सेस करो सेम ही दिखेगा, दैट्स व्हाट वी मीन बाय यूनिवर्सल। ओके, उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या बोला है, ये सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका HTML का। बॉडी के बिना तो कोई वेब पेज कुछ दिखेगा ही नहीं, खाली यहाँ पे आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे टाइटल दिखेगा और ये पूरा पेज वाइट होगा, तो ऐसा तो नहीं चाहिए हम लोगों को, कुछ ना कुछ कंटेंट तो ऑफकोर्स रिक्वायर्ड है ही, तो बॉडी के बिना तो आपका कोई वेब पेज बन ही नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई टैग अगर है तो वो बॉडी टैग है। अगेन बॉडी टैग में भी क्या होगा, ये ओपनिंग बॉडी टैग होगा और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, ये क्लोजिंग वाला बॉडी टैग होगा, ये बेसिक पार्ट है। आपका जो भी वेब पेज बन रहा है उसमें जो भी कुछ कंटेंट डिस्प्ले होता है सामने, वो सब कुछ बॉडी टैग में से आता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या रखा है, HTML लिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप। अब ये आप जब सिर्फ सिंपल सा HTML टैग बना रहे हैं ना, तो समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉक टाइप लिखा है, लेकिन बेसिकली जरूरी नहीं है, आप सिर्फ HTML में ही बना रहे हैं ना। आप जब बड़ा कोडिंग कुछ करेंगे, अच्छे डायनेमिक वेब पेजेस जब बनाएंगे, वो टाइम पे ये डॉक टाइप की जरूरत होती है। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ, डॉक टाइप नाम का कोई एक टैग होता है जो ब्राउजर को कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट उसको ओपन करना है वो समझाने में हेल्प करता है, इसके लिए डॉक टाइप होता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। HTML टैग होगा, अगेन हेड टैग आएगा, टाइटल आएगा, टाइटल में हम लोगों ने क्या डाला है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लिखा है उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, उसमें देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, मेटा टैग डाला। मेटा टैग में हम लोगों ने नाम क्या दिया, टेस्ट। कंटेंट क्या डाला, दिस इज डॉक्यूमेंट कंटेंट एग्जांपल ऑफ HTML एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केयर सेट क्या रखा, मतलब मैंने इसको UTF-8 फॉर्मेट में रखा है, ये जो भी कुछ कंटेंट रहेंगे इस पे, सो दैट आप इसको इंडिया में ओपन करो ये पेज को, US में, चाइना में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी ये सेम पैटर्न ही दिखेगा सब जगह पे, दैट्स वाई UTF-8 होता है, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मैट, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मैट। ओके, सो ये होता है। नाउ ये आपका इतना पार्ट हो गया HTML में क्या क्या चीजें होता है उसका। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है गाइस? सर यस, बोलो अंजना। कैन यू एक्सप्लेन दिस कैर सेट इक्वल टू UTF-8 पार्ट अगेन? हाँ, जो UTF-8 बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैर सेट का मतलब क्या है, जो भी कैरेक्टर्स, दिस आर द कैरेक्टर, दिस डॉक्यूमेंट कंटेंट एग्जांपल ऑफ HTML, ये क्या है, कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर सेट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है, आपका एक स्ट्रिंग बन जाता है ना, एक मैसेज बन जाता है। सो कैरेक्टर मतलब THIS, यहाँ पे चार कैरेक्टर्स है, DOCUMENT, ये और आपके एट कैरेक्टर्स हो गए। सो ये कैरेक्टर सेट है, तो ये जो भी कुछ कैरेक्टर्स या जो भी कुछ मैसेज मैं यहाँ पे रख रहा हूं, वो सारे मैसेजेस यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेंगे, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट UTF-8 में रहेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं ये कंटेंट को, ये मैसेजेस को या ये वेब पेज को, मैं उसको इंडिया में एक्सेस करूं, US में एक्सेस करूं, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में अगर मैं इंटरनेट के थ्रू ये पेज को एक्सेस करूंगा तो वो सेम ही वे में दिखेगा।
कहीं पे भी वो कंटेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे, वो जो मैसेज लिखा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेंगे. दैट्स वॉट वी मीन बाई यू टी एफ. नाउ टेल मी, क्लियर है? यस सर. ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट, एनी वन? बोलो. ओके, ठीक है. हाँ, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. चलो यहाँ पे आगे वापस. यस यस, बोलो सर. मेटा टैग का कुछ आउटपुट नहीं आएगा ना? मेटा टैग का आउटपुट जब हम लोग ऐसे गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिख रहा है ना, वो पेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये मेटा टैग का आउटपुट है. ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? यस सर. तो जब मैं वो पेज सर्च करूंगा ना, तब वो पेज का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो ना, हर एक पेज का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है. ये देखो, ये अगर ये मैं इन्वेस्टोपीडिया नाम का एक साइट है उसके ऊपर अगर जाऊंगा तो देखो यहाँ पे वापस उसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है ना छोटा सा. यहाँ पे जाऊंगा वापस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है. कोई दूसरे आप लिंक पे जाओ, देखो हर जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन होता ही है वो पेज के बारे में. सो देट आपको पता चलेगा कि वो पेज पे बेसिक क्या कंटेंट आपको मिलेंगे. सो वो बेसिकली मेटा टैग के थ्रू पॉसिबल होता है. तो वो तो जब हम लोग ऐसे सर्च करते हैं तब वो हेल्पफुल होगा ना. एनी डाउट? क्लियर है अभी? यस सर, थैंक यू. यस, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट? ओके, सो नाउ वी सपोज टू स्टार्ट विद टॉपिक 2.4. सो बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट रिवाइज. ओके, आई मीन वी कैन जस्ट रिवाइज HTML के हम लोग जो टैग्स है, तो जो टैग्स है उनको एलिमेंट्स बोलते हैं. पहले तो ये याद रखना है, HTML5 एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. सो एज यू कैन सी, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. एलिमेंट्स मींस द HTML टैग्स, लाइक हियर वी हैव HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, दिस आर द टैग्स विच आर अवेलेबल हियर. एंड नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एलिमेंट और टैग. याद रखो जो टैग्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, जैसे यहां पे एग्जांपल समझते, HTML एलिमेंट्स विथ एग्जांपल. सो यहां पे अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिकल्स में किया था, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स में नहीं थे उनके लिए हम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो देखो यहां पे हम लोग के पास HTML के एलिमेंट्स कौन से है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक नोटपैड का प्रोग्राम लिखा ना ये, तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स यूज किए मैंने HTML के, HTML टैग ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, हेड ये दूसरा एलिमेंट हो गया, टाइटल ये तीसरा एलिमेंट हो गया, बॉडी फोर्थ एलिमेंट हो गया, H1 टैग फिफ्थ एलिमेंट हो गया. तो ये जो भी टैग्स है ना इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली. ओके, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, H1, H2, H3, बॉडी, हेड, टाइटल, HTML, दिस ऑल आर योर बेसिकली एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स एंड अगर एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग देखें, सो कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जैसे यहां पे देखो आपको क्या दिया है, वी हैव सम एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. यहां पे CSS आ गया थोड़ा. हाँ, दिस वन एज यू कैन सी अलाइन राइट, बराबर है. तो ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये दिस वन. तो ये आपका पैराग्राफ टैग हो गया, जैसे हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं पैराग्राफ टैग. नाम पे से पता चल रहा है पैराग्राफ टैग. पर्पस क्या होगा पैराग्राफ टैग का, जो भी मैं कुछ इसमें डालूंगा, वो एज अ पैराग्राफ विजिबल होगा आपके HTML पेज पे. सो दिस इज अ पैराग्राफ, आई कैन राइट समथिंग हियर. ओके, मैं यहाँ पे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. सो आपका कोई एक पैराग्राफ कैसे विजिबल होता है, वैसे यहाँ पे ये सारे कंटेंट जो है वो विजिबल रहेंगे. ओके, सो आई जस्ट सेव इट, रन करते हैं उसको. एज वी ऑल नो हाउ टू रन इट, यहाँ पे मैंने रन किया, दिस इज योर आउटपुट. ठीक है, तो ये पैराग्राफ है. अब ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको अगर मैं और बड़ा अगर करता हूं, सपोज मैं वापस इसके जो भी कंटेंट है इसको मैं कॉपी करता हूं, सेव एंड रिफ्रेश. सो आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ टाइप अभी दिख रहा है प्रॉपर.
ओके अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये जो भी कंटेंट है इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ सो आपको पता चलेगा। अब देखो बहुत छोटा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब ये कंटेंट बाय डिफॉल्ट जो भी कंटेंट आता है वो लेफ्ट साइड पे रहता है, लेफ्ट साइड अलाइन रहता है। अब ये मेरा एलिमेंट है, मेरा एलिमेंट या मेरा टैग है, मेरा एलिमेंट या मेरा टैग, इसका नाम क्या है, पैराग्राफ टैग या पैराग्राफ एलिमेंट, दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने इसका अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, एंगल ब्रैकेट्स में आपका जो टैग या एलिमेंट नेम है उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस अप्लाई करते हैं उसको एलिमेंट्स उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा पैराग्राफ राइट साइड पे चले गया, किसके थ्रू गया, विद द हेल्प ऑफ वन एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग, पैराग्राफ टैग या पैराग्राफ एलिमेंट, एलिमेंट या टैग सेम होता है तो हम लोग उनको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, नॉर्मली हम लोग उसको अब तक क्या बोल रहे हैं, टैग बोल रहे हैं, तो वही टैग नाम से ही हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। सो वी हैव एचटीएमएल एलिमेंट्स और टैग्स, बराबर है। और यहाँ पे ये उसका एट्रीब्यूट है, अलाइन इज द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ टैग। एट्रीब्यूट क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपके एट्रीब्यूट क्या है, तो आप बताओगे कि आपका सैप नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका क्वालिफिकेशन लाइक ट्वेल्थ है या टेंथ है, जो भी है वो आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, क्लियर है। सो आप एक टैग हो, आपके एट्रीब्यूट्स वो सारे रहेंगे, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका सैप आईडी, दिस आर द एट्रीब्यूट्स। सो अगर मुझे कॉलेज में कोई एक स्टूडेंट को अगर ढूंढना है तो मैं सिर्फ वो स्टूडेंट को ऐसे नहीं ढूंढ सकता कि वो FI BSCIT का है, उसके आगे मुझे उसके एट्रीब्यूट्स लगेंगे, विच एट्रीब्यूट्स आर रिक्वायर्ड, नेम, सैप नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखो ये मैंने H1 टैग के साथ भी ये सेम एट्रीब्यूट यूज किया, वहां पे भी ये सेम वर्क करेगा, क्लियर है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। नोट डाउन दिस पिक्चर, ये डायग्राम नोट कर लो, यहाँ पे ये जो है ना ये P एलिमेंट वाला, ये जो फोटो ओपन किया है मैंने वो नोट इट डाउन क्विकली। हाँ कोई बाकी है, एनीवन? ओके सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एलिमेंट नेम क्या है आपका, पी, दैट इज पैराग्राफ टैग, दैट इज द एलिमेंट नेम। स्टार्ट टैग कहां से कहां तक है, ये एंगल ब्रैकेट चालू होने से एंगल ब्रैकेट खत्म होने तक आपका स्टार्ट टैग होता है, और नेक्स्ट जो आप एंगल ब्रैकेट चालू और खत्म करेंगे वो आपका एंड टैग हो गया, और जहां पे आप फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं बेसिकली उसको हम लोग एंड टैग बोलते हैं। तो पी टैग चालू किया यहाँ पे, पी टैग चालू किया यहाँ पे और यहाँ पे उसको एंड किया। अब एट्रीब्यूट, ये जो अलाइन लिखा है दैट इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, और वहां पे मैं राइट सेंटर लेफ्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, वो एट्रीब्यूट का वैल्यू हो गया, तो उसके हिसाब से आपका पैराग्राफ टैग के जो कंटेंट है वो बिहेव करेंगे। So that is the difference, and I hope now it is very much clear with each and every one of you the difference between tag and attributes. Sabko clear hai? Yes, sir. Now, please note it down this difference. Ye aapko yaad rakhna chahiye. Note it down. Same title deke pura table likh do. हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हैं अभी, एलिमेंट्स, हम लोगों ने जो ऑलरेडी डायग्राम से देख लिया एलिमेंट्स क्या होता है। मैं एम आई ऑडिबल राइट, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। ओके सो फर्स्ट वी हैव दैट इज HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग के जो टैग्स नेम है वो आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देन पेयर टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स का मतलब स्टार्ट टैग होगा और एक, या जिसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलते हैं एंड एक क्लोजिंग टैग बोलते हैं, बराबर है। ये आएगा स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट एज यू कैन सी यहाँ पे वी हैव बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थ्री टाइप्स ऑफ टैग्स आते हैं, BIU, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। सो एज यू कैन सी हियर, as you can see here we have this three tags here,
सो उसमें से फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मैं पैराग्राफ के साथ यूज कर सकता हूँ या कोई एक टैग कहीं पे मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ. सपोज बोल्ड एंड बी टैग क्लोज. ओके सेव करते हैं. यहाँ पे मैं आउटपुट चेक करता हूँ. देखो ये बोल्ड में आ गया टेक्स्ट. ओके देन अगर मुझे कोई एक टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए सो आई एंड आई टैग क्लोज. एज यू कैन सी इटैलिक में आ गया टेक्स्ट. देन सेम वे अगर अंडरलाइन में चाहिए सो आई यूज यू टैग अंडरलाइन टेक्स्ट. यू टैग क्लोज सेव एंड एज यू कैन सी ये टेक्स्ट अंडरलाइन में आ गया. बराबर है. अब मैं ये तीन टेक्स्ट को साथ में कोई एक टेक्स्ट पे भी यूज कर सकता हूँ. कोई एक टेक्स्ट सपोज मुझे बोल्ड में भी चाहिए इटैलिक में भी रिक्वायर्ड है एंड अंडरलाइन में भी रिक्वायर्ड है. यहां पे मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन टेक्स्ट. और अब जो सीक्वेंस में आपने वो टेक्स्ट को ओपन किया उसके रिवर्स सीक्वेंस में हम लोग वो टेक्स्ट को क्लोज करेंगे. लाइक सबसे पहले आपका सबसे लास्ट में आपका कौन सा टैग आया यू टैग. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यू टैग को क्लोज करूंगा. याद रखो जो सीक्वेंस में आपने टैग को ओपन किया है उसके रिवर्स सीक्वेंस में आपको टैग्स को क्लोज करना है. तो सबसे अंदर कौन सा यू टैग है तो सबसे पहले यू टैग को क्लोज करेंगे. उसके बाहर आई टैग है तो मैं यहाँ पे आई टैग को क्लोज करूंगा. देन लास्ट में आपके पास बी टैग है तो मैं यहाँ पे बी टैग को क्लोज करूंगा. अब सेव करके अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा. इसको मैं देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेक्स्ट लाइन में आ गया. सो ये यहाँ पे क्या हो गया ये कॉम्बिनेशन टेक्स्ट आपका बोल्ड में भी है इटैलिक में भी है और अंडरलाइन में भी है. सो यहाँ पे हम लोग जो बता रहे हैं ना वी हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हियर. जहां पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको स्टार्टिंग टैग स्टैंड अलोन टैग मतलब जिसका खाली ओपनिंग टैग रहेगा ओपनिंग टैग रहेंगे. ये हम लोग इमेज टैग जो है वो ऐसा टाइप का रहता है. आगे देखेंगे हम लोग वो प्रोग्राम्स में इमेज टैग ऐसा स्टैंड अलोन रहता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है. सिर्फ ओपनिंग टैग होता है क्लोजिंग टैग नहीं रहता है उसको स्टैंड अलोन टैग बोलते हैं. और एट्रीब्यूट्स क्या रहता है ये तो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने समझ लिया एट्रीब्यूट्स. सो जो हम लोगों ने यहां पे एग्जांपल लिया ओके जैसे हम लोगों ने पी टैग को अलाइन किया राइट साइड तो ये उसका एट्रीब्यूट हो गया. एचटीएमएल हेडिंग टैग H1 टैग को हम लोगों ने अलाइन किया राइट साइड. या सपोज मैं यहां पे सेंटर भी लिख सकता हूं तो ये क्या हो गया अगेन उसका एट्रीब्यूट हो गया. ये देखते हैं हम लोग तो आपका एक हेडिंग सेंटर में आना चाहिए. देखो ये सेंटर में आ गया. क्लियर है. सो ये आपका बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हो गए. एंड यहाँ पे देखो ये जो मैंने HR लिखा है क्या कर रहा है HR. अगर मैं यहाँ से HR निकाल देता हूँ तो क्या हो रहा है ये मैंने सेव किया उसके बिना और रिफ्रेश कर रहा हूँ. आपको दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन टेक्स्ट ये बाकी के टेक्स्ट के साथ में आ रहा है. देखो ये कॉम्बिनेशन टेक्स्ट ये बाकी के टेक्स्ट के साथ में आ रहा है. अब अगर मैं यहाँ पे HR डाल रहा हूँ और वापस अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो क्या हो रहा है यस क्या डिफरेंस हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया ना आपका. समझा सबको. अगर मैं हर जगह पे वो एचआर अगर डालूंगा देखो सपोज मैं यहां पे डाल रहा हूं इसको बोल्ड के बाद एक एचआर डालता हूं देन इटैलिक के बाद एक एचआर डालता हूं सेव एंड नाउ इफ यू सी हर एक के बाद एक एक लाइन आ गया. तो ये आप एक पेज फॉर्मेट में भी अपने कंटेंट बताने के लिए एचआर यूज कर सकते हैं. और अगर मुझे लाइन नहीं चाहिए तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे बी आर यूज करूंगा. बी आर मतलब नेक्स्ट लाइन पे आएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगा सिर्फ. तो यहाँ पे सब जगह पे मैं बी आर कर सकता हूँ. तो जो भी कंटेंट है आपके नेक्स्ट लाइन में आएंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगा. आई होप समझ में आ गया सबको. क्लियर है HR हॉरिजॉन्टल लिए बी आर नेक्स्ट न्यू लाइन में आपके कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए. नोट कर लेना जल्दी से ये प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नोट कर लो जल्दी से. एंड वन मोर पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया बी आर एच आर दिस आर जो हम लोगों ने यहाँ पे पीडीएफ में देखा था ना
कौन से टाइप के टैग्स बोलेंगे? स्टैंड अलोन टैग्स, जिसका खाली ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये बीआर, मैंने कोई इसका क्लोजिंग टैग नहीं डाला है। एचआर जो डाला था, सपोज मैं यहाँ पे एचआर कर देता हूँ और एक मेरा बीआर टैग है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैंने कोई क्लोजिंग टैग नहीं डाला है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल टैग्स है ये वाले, इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं है। तो इसको हम लोग इंडिविजुअल, ये जो है ये इंडिविजुअल टैग्स है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन टैग्स। बाजू में आप अपने हिसाब से कमेंट्स डाल के लिख लेना, एच आर बी आर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंड अलोन टैग्स। सो जो मैंने प्रोग्राम बताया, आई होप उससे सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग टैग्स। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोगों ने बोल्ड किए टेक्स्ट को, इटैलिक वर्जन में कन्वर्ट किए, अंडरलाइन किए कोई टेक्स्ट को, या एक साथ कोई एक टेक्स्ट को बोल्ड में भी कन्वर्ट किया, इटैलिक में भी कन्वर्ट किया और अंडरलाइन भी अप्लाई किया उस पर। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट करने का मतलब होता है वो टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स अप्लाई करना। सो ये सिर्फ तीन नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हम लोगों का एक जो बैच है, आई थिंक बैच वन या बैच टू, कौन बैच टू अपना है ना गाइस? यस सर। हाँ हाँ, तो बैच टू का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ था, वो फर्स्ट प्रैक्टिकल में ही हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो है वो पढ़ा था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एच वन टैग है, अगेन हेडिंग आप दे सकते हो उसके थ्रू। सो हम लोग के पास सिक्स हेडिंग टैग्स है, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, और अभी मैंने आज के लेक्चर में भी आपको H1 टू H3 हेडिंग टैग्स बताया ये कोड में। सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने तीन हेडिंग टैग्स लिखे हैं, वैसे हम लोग और तीन लिख सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। सो यहाँ पे सपोज मैंने ये H3 है, इसको मैं H4 करूँगा, देन H5 होगा एंड लास्ट इज H6। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको H4, H5 एंड H6 सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। ओके, ये देखो, ये आपके अलग अलग हेडिंग टैग्स है। ये फर्स्ट हेडिंग टैग तो यहाँ पे है, इसको मैं सेंटर से हटा देता हूँ। सो नाउ टोटल देर आर सिक्स हेडिंग टैग्स। H1 एकदम बड़ा दिखता है, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 एकदम छोटा। सो आप कहीं वेबसाइट पे या कहीं पे होते हो तो वहां पे आप ये सिमिलर टाइप के हेडिंग्स देखते हो। कोई टेक्स्ट बुक में आप देखो, मेन हेडिंग ये रहेगा, उसका सब हेडिंग ये रहेगा, उसका सब हेडिंग ये रहेगा, और उसमें भी अगर आप कुछ टेक्स्ट को अलग से हाईलाइट करते हो तो वो ये वाला सब सब हेडिंग आएगा। ऐसा हम लोग का पैटर्न चलेगा। तो ये आपके सिक्स हेडिंग टैग्स है। बोल्ड टैग अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इटैलिक भी अभी एक्सप्लेन किया, अंडरलाइन टैग आपको बताया वो है, स्ट्राइक टैग बहुत सिंपल है, नाम पे से पता चल रहा है स्ट्राइक टैग क्या होगा। इसको मैं यहां से हम लोग इसको पीछे कर लेते हैं, यहां पे एक स्ट्राइक टैग डाल देता हूं, स्ट्राइक टैग ओपन, दिस इज स्ट्राइक टेक्स्ट एंड स्ट्राइक क्लोज, लेट्स सी क्या होता है। ये दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू आ गया। आपने बहुत बार ऑनलाइन देखा रहेगा कि आपको पहले आपका कोई प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपीज था, अभी डिस्काउंट में आपको 700, 699, 599 में मिल रहा है। तो टाइम पे हम लोग ये स्ट्राइक थ्रू वाला टेक्स्ट यूज करते हैं। आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक आ गया, मतलब ये कट होके आप अभी नया कुछ ऑफर दे रहे हैं यूजर्स को, तो वो टाइम पे स्ट्राइक यूज करते हैं हम लोग। देन टीटी आएगा, टाइपराइटर टाइप के टेक्स्ट आएंगे। सो अभी जैसे मैंने बाकी के यूज किया, वैसे आप ये सेम ये टाइप टीटी वाला भी यूज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट के आगे टीटी डाल दो, टीटी क्लोज कर दो। स्मॉल, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ फॉन्ट साइज यू कैन यूज अ स्मॉल टैग टू रेंडर टेक्स्ट स्लाइटली स्मॉलर देन द टेक्स्ट अराउंड इट। तो सपोज अगर यहाँ पे ये दिस इज माय पैरा अबाउट HTML tags where
I can see demo. ये देखो इसको मैं, ये दिख रहा है आपको, ये जो HTML टैग यहाँ पे जो मैंने स्मॉल में लिखा है ये आपको दिख रहा है, ये बाकी टैग से थोड़ा सा छोटा आया हुआ है. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्मॉल टैग. सेंटर टैग नाम पे से पता चल रहा है क्या होगा, बराबर है, एवरीथिंग सेंटर में आएगा. EM टैग है सिमिलर वे में, स्ट्रॉन्ग टैग है, कुछ टैग्स आपके बोल्ड में दिखेंगे इसके लिए ये आएगा. एम्फसाइज्ड टैग्स, एम्फसाइज करने का मतलब है जैसे अभी यहाँ पे ये जो स्मॉल है ना इसके जगह पे मैं EM यूज करता हूँ. देखो EM यहाँ पे EM क्लोज सेव एंड रिफ्रेश. ये देखो ये आपको दिख रहा है अब HTML टैग जो है ये एम्फसाइज हो रहा है ना, सब बाकी टैग से थोड़ा अलग दिख रहा है, इटैलिक टाइप दिख रहा है, जिससे हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक वर्ड्स को अगर हाईलाइट करना है, एम्फसाइज करना है कि ये कुछ काम का चीज है, तो वो टाइम पे हम लोग EM यूज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग टैग टाइप आपके टैग्स आएंगे. किसी का तो माइक ऑन हो गया, बंद करो. कौन है? देन वेरिएबल टाइप, आप सी सी प्लस प्लस आपने पढ़ा रहेगा, तो सी सी प्लस प्लस में आप जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वो टाइम पे. अंजना देन यहाँ पे वेरिएबल टाइप के आपके टैग्स आएंगे. सो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उसके कैसे टैग्स रहते हैं वैसे सिमिलर ये वेरिएबल टैग आएगा. सब टैग सबस्क्रिप्ट के लिए आएगा, बराबर है. सब स्क्रिप्ट समझते हैं, सब एंड सुपर स्क्रिप्ट देख लेते हैं, वो काम का है. आप कभी मैथ्स का कोई फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, सो देखो यहाँ पे अगर H2O, सो यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्मल बोल्ड में मैं लिख रहा हूँ सपोज H देन सब टू सबस्क्रिप्ट क्लोज एंड अगेन ओ एंड बोल्ड टैग क्लोज. ये देखो इसको मैं सो आई होप नाउ दिस इज विजिबल. H2O ये सबस्क्रिप्ट हो गया, ये जो आपको 2H के बेस में बताना है उसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है अगर, तो वो टाइम पे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे. ये थोड़े कुछ ये एक दो हेडिंग्स मैं निकाल देता हूं, यहां पे मैं HR डाल देता हूं, इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं बोल्ड टैग ए स्क्वेयर. तो ए का स्क्वेयर बताना है, उसके लिए मैं लिखूंगा सुपर सुपर टैग क्लोज देन बी अगेन सेम यहां पे ये रिपीट होगा स्क्वेयर देन इक्वल टू वापस हम लोग लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड बोल्ड टैग क्लोज और एक HR डाल देता हूं. सो देखो यहां पे आपका ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस भूल गया मैं यहां पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो ऐसा कुछ आपको जो भी इक्वेशन डालना है वो कुछ आप यहां पे ऐड कर सकते हैं. So, उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं SUP सुपर. पावर में अगर कोई नंबर आपको बताना है कुछ वैल्यू बताना है तो सुपर. बेस में अगर कुछ बताना है तो सब आएगा. सो मैं यहां पे अगर ये दोनों साथ में रख दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यहां पे इसके बाद ये ऐड कर देता हूं एंड यहां पे और एक HR. सो अब अगर आप देखेंगे ये दो चीजें आ गए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट. तो ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टाइप्स है. सुपरस्क्रिप्ट को
क्वेश्चन मार्क के लिए क्यू आएगा, डिलीट टेक्स्ट अगर बताना है उसके लिए ये आएगा, INS के लिए दूसरा आएगा, कीबोर्ड टेक्स्ट बताना है उसके लिए ये आएगा, ये सो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे टैग्स है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं ये 19 टैग जो है वहां तक, ये बाकी के जो है ये आपको ट्राई करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अब ये सिर्फ ये जो नाम है वो आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको चीजें बताना है, बराबर है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, दिस टैग इज यूज्ड व्हेन यू व्हेन योर टेक्स्ट मीन टू बी रीड राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू है तो उर्दू लैंग्वेज में कैसे आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो, ऐसा कुछ अगर पढ़ाना है तो वो टाइम पे ये वाला टैग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये वे में आपको ये हम लोग के 19 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है जो आपको याद रखने हैं। ब्लॉक लेवल फॉर्मेटिंग जो है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए ये जो प्रोग्राम मैंने बताया वो आप लिख लो, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे आज मैं और कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ओके, आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो, आज का लेक्चर हो गया हम लोगों का। ओके, नोट डाउन दिस प्रोग्राम, जो बाकी का अभी पार्ट हम लोगों ने किया वो।